और वहीं राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 15 दिन में 107 मरीज सामने आए हैं। तो राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 9 नए पॉजिटिव मरीज डेंगू के मिले हैं, 15 दिन में 107 मरीज सामने आए हैं। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर है, तैयारियां इसको लेकर की जा रही है, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी शहर में अब तक आपको बता दें कि डेंगू के 452 केस मिल चुके हैं और एक बार फिर 9 नए जो पॉजिटिव केसेस हैं वो मिल रहे हैं। डेंगू का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। चलिए तो ज्यादा अपडेट के लिए रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, क्या कुछ अपडेट है? राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्या काम प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर से एक बड़ा आंकड़ा है, काफी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो आसपास गंदगी हो रही है उसकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत करें, ताकि ये बीमारी जो है ज़्यादा ना फैले। एक आंकड़ा सामने आया है, पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो 107 मरीज़ जो है राजधानी भोपाल में सामने आए हैं और 452 का जो आंकड़ा है वो पहुँच चुका है। चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो 2221 जाँचें जो हुई थी जिसमें करीब 200 से करीब जो मरीज़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं, ये भी बड़ी चिंताजनक बात है। हालांकि जिला प्रशासन नगर निगम की तरफ से तमाम जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है आसपास अपने गंदगी करना नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि चालानी कार्रवाई भी जो है इसको लेकर करनी थी, लेकिन वो भी जो है देखने को नहीं मिली और एक आदेश जो है सिर्फ निकल कर रह गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मरीजों की अगर हम बात करें, करीब 1500 से 2000 मरीज़ जो है राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा है ये पहुँच रहा है, ये प्राइवेट अस्पतालों की तो बात दूर है। एक बड़ी चिंताजनक बात है इस तरह के मामले सामने आना रोज़ डेंगू के, और डॉक्टर्स भी जो है काफ़ी इसको लेकर सतर्क हैं, लोगों से जो है अपील कर रहे हैं आसपास से जो है अपने गंदगी ना होने दें, जो लंबे समय से पानी जो एक जगह इकट्ठा है उसकी जो है साफ़ सफाई करवाएं, ताकि इस तरह के मामले सामने नहीं आए। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए केसेस जो लगातार पड़ रहे हैं बेहद चिंताजनक ये है, और इसके लिए निश्चित तौर पर नगर निगम हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, उन्हें इस और खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा लगातार पड़ता जा रहा है पर इसके बचाव में क्या काम किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने अब रखता है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान। तो 9 नए डेंगू के पॉजिटिव केसेस अब राजधानी भोपाल में मिले हैं, और राजधानी भोपाल की अगर हम से बात करें तो 15 दिन में 107 जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं, एक दो इसमें मौतें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, अगर डेंगू का प्रकोप लगातार पड़ता जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ कर रहा है, आगे क्या कुछ इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।